ठीक है, तो हम आसन हो गया था, योग निद्रा कर रहे थे। ठीक है, योग निद्रा में हमने किया प्राण, प्राण की शक्ति था ना, 10 प्राण होते हैं। अब 10 प्राण का मैंने उसका आपको ले गया अंदर से, कैसे होता प्राण का, तो आप ऐसे ही करते रहे, साथ देते रहेंगे हर हफ्ता, तो आप सीख जाओगे धीरे धीरे, काफी थ्री रश हो जाती समय के कारण से। तो दूसरा है, आप ऐसे ही लेते रहे, दूसरा है उसको कहते हैं, आप बिना सांस का तो जी नहीं सकते, 10 प्राण का मैंने आपका यात्रा किया शरीर पर क्या हुआ। दूसरा है भोजन, भोजन से तो फिर भी 2-3 महीना जी लेंगे पानी पर, फिर भी उतने ही है जन्म से, व्हेन यू आर बोर्न टू व्हाट यू आर, व्हाट एवर वेट 3 kg to 100 kg हैज बिकम इज ओनली फूड एंड ड्रिंक, नथिंग एल्स। तो आई ऑलवेज से फूड इज आइदर योर मेडिसन और डिजीज, फूड इज नॉट अ सोशल इवेंट, फूड इज नॉट पार्टी। ऋषि मुनि हमारे जो थे भोजन को हर्ब्स की तरह बनाकर शरीर को ठीक करने के लिए ही करते थे। तो ये जो मॉडर्न लाइफ है, कॉर्पोरेट ग्रीड वर्ल्ड है, ये खाना पानी सभी जगह बना दिया कि आप पार्टी करो, उसको प्रॉफिट चाहिए जी, इतना लोग लेकिन सोच ही नहीं पाते, इतने अंधे पगाल है। आप क्या डालते हो आपको बीमारी करेगा या हेल्थ बनाएगा, दो ही चीज, तो अपने आप में सोचिए, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो ले अपने आप को देखे, ऑब्जर्व करे, हाथ से क्या लाते, आपकी कंट्रोल जैसे ब्रेथ का था ना, थोड़ा सा ही था, अंदर की जो प्रोसेस थी ब्रेथ की 99% सबकॉन्शियस था। इसी तरह भोजन का 5% ही कंट्रोल है, क्या लाना। आप मनुष्य हो, आपका फ्रीडम है, आप किसी को दुख तो नहीं दे रहे हो, अपने जीव को प्लेजा देने के लिए ख्याल रखिए, क्योंकि आप मनुष्य हो। वैसे आप अगर स्टेटिस्टिक जानना चाहते हो, 80 बिलियन एनिमल्स गेट किल्ड एवरी डे टू फीड ह्यूमन बींग। तो ये सब फोकट की बात लोग करते हैं, दया करो, पेट रखो, ये दिखाओ वो दिखाओ, कर क्या रहे हो जी, किसको पागल बना रहे हैं मनुष्य। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं और खाना पानी सोचते ही नहीं, कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, एनिमल फार्मिंग, कितना पानी जा रहा है, धरती आप बर्बाद कर रहे हो। फिर केवल एक कंपोनेंट पर बात करते हैं लोग, जो थोड़ी गैस निकलती है, आपकी इकोनॉमी, आपकी घर, आपकी अच्छी तरह जीवन चल रहा है, और जो है उस पर बात ही नहीं करते। तो ये है जो हिपोक्रेसी है ह्यूमन बींग्स का। तो आप जब लेते हैं ना चीज, कैसे लाते, कहाँ से लाते और मुंह में क्या डालते हो, उस पर सीरियसली आप मनुष्य हो सोचिए। फिर मैं कह रहा था कि 32 फीट है, आपको चबाना है खाना, आप चिड़िया की तरह ऐसे नहीं डाल ले, जूस की तरह पी ले, तो फिर चिड़िया बने रहोगे। मुंह में जो दांत है, दांत से, क्योंकि डाइजेशन जो होता है आपकी मुंह में शुरू होती है, तो खाएं सब तरह की कलर चीज, बीट रूट, पोपल अनियन, जितने कलर चीज है, आपकी जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा बनाती, और उसको जूस के रूप में नहीं लेना, उसको चबाना है, कैरेट को, रेडिश को, ग्रीन वेजिटेबल्स है। अब ये जो कलर खाना होती है, आपको फ्रूट और वेजिटेबल में ही मिलेगी, क्योंकि इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, नाइट्रस, नाइट्रिस ऑक्साइड जो चेंज होती है, ब्लड प्रेशर मैनेज करती, हार्ट रेट कंट्रोल करती, ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें, यही आपकी कंट्रोल है। क्योंकि जब फूड विंड अरे फूड पाइप है, सोफोकस नीचे जाती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो सब कॉन्शियस है। एसिड जो सिक्रीट होती है ना यहाँ पेट में, वो भी जो चीज गया पेट में उसी के कारण से होता है। तो आप जब रोज मुंह में डालते रहे वो 6-8 घंटा 8 बार दिन में, तो एसिड दिन भर प्रोड्यूस होती है। जब आप फूड कम करोगे, 3 बार केवल खाते हो, और उम्र के साथ कम ही करना है, 2 बार 3 1 बार हो जाता है फिर 60-70 के बाद में, तो एसिड भी कम निकलेगी, नहीं तो फिर बहुत एसिड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आप मुंह में डाल रहे हो चीज, क्योंकि उसको पता नहीं हो तो सबकॉन्शियसली काम कर रहा है। तो अतली बहुत लंबी है, 8-10 मीटर होती है, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया, 90% अच्छी बैक्टीरिया है। आज जो बैक्टीरिया है वो केवल फ्रूट्स, फर्मेंटेड योगर्ट, गोभी वगैरह, फ्रूट्स से जीते हैं,
ये जो हम सोडा ड्रिंक्स पीते हैं ना, अल्कोहल, एसिड फूड, गर्म करा कर खाना, पैकेट फूड, मीट, और बैक्टीरिया दे गेट किल्ड, तभी से बीमारी होती है, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम पेट में है। 70% इम्यून सिस्टम, आप पेट को डैमेज कर रहे हैं, आपकी इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाएगी। हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम आपको ऑटोइम्यून डिजीज करते, लाइक थायराइड डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज, डिमेंशिया, अल्जाइमर, फिर कैंसर होता है उससे, क्योंकि आपकी जो मीडियम है पेट का बिगड़ गया है। तो इट्स अ वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्या करते शरीर को। बीमारी यही से होता है, और कहीं से नहीं आता, बाहर से नहीं, सब बीमारी अंदर से होती है। तो थोड़ा उस पर अपना नजारा रखें, क्या कर रहे हैं। फिर हाँ, जो पेट होती है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेन से, को वैसोवाइगल नर्व है। तो आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह सब खाना पीना से ही होता है, आप कैसे जी रहे हो अपनी जिंदगी में। ना तीसरा कंपोनेंट है, अपने अटेंशन को ले जाइए साइड ऑफ योर टमी, किडनी से यहाँ पर बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, उस पर देखिए अंदर से, उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन है, जो पॉइजन निकलता देही से वो भी सबकॉन्शियसली होता है, आपको मालूम ही नहीं कि किडनी कैसे ब्लड फिल्टर करता है। केवल आपकी कंट्रोल में पानी पीना, और पानी पिए या हेल्थी फ्रूट्स खाएं, ये सब जूस वगैरह नहीं, किडनी के लिए पानी ही अच्छा से फ्लशिंग सिस्टम है। 3 लीटर वोटा लेना, 2.5 ऐसे 10 ग्लास दिन में पिए, तो किडनी है, यूरेटा, ब्लेडा, इसका फ्लशिंग, और जो सिस्टम है ब्रेथ है, हम सांस बहरे लेते, मैला करते बाहर, हम टॉयलेट वगैरह जाते, तभी यज करना घर में इम्पोर्टेंट है। अगर यज करेंगे तो और जो मैल होता है ना उसको बैलेंस करना है। अब कुत्ता पूसी भी होते, एनिमल्स अपना मैला उसको संभालते हैं, अब मनुष्य, अब सिस्टम है, सिवरेज सिस्टम बना है, लेकिन अब गैस जो हम बात करते हैं ये सब आता कहाँ जाता। तभी यज करना जरूरी है घर में, कि उसको साफ सुथरा हो, फिर ग्रेटिट्यूड आप शो करते हो, बाहर लोगों को मदद करते हो, अच्छी गैस जाती, हवा जाती ना, दूसरा का सेवा होता है, तभी यज्ञ करना जरूरी है। अब अटेंशन लाए अपने हाथ पर, पंजा, कलाई, कोनी, शोल्डर, जो रीढ़ की हड्डी ना, 33 कोटी बोलते हैं हम ना, कि 33,330,000 कोट, ये 33 कोट है, वेटम्बरा है हमारे बेही में, हड्डी होती 33, ये हड्डी ही हमारी परमात्मा की शक्ति है अंदर, जिसमें वो लाइन नर्व नाड़ी चलती है, इसमें ही शक्ति आती है, ये शरीर में सब है, बाहर केवल स्टोरी के रूप में दिखाया जाता है। आप नीचे जाए पूरी एड़ी पौली, ऊपर आए पैर, अपनी घुटना, थाई, पेल्विक एरिया रोक ले थोड़ी देर, लेफ्ट की तरफ उसे कहते हैं इड़ा, राइट की तरफ पिंगला। जो इड़ा है वो चंद्रमा शक्ति है ना, मून पोजीशन इन द बॉडी सीक्रेट्स केमिकल मीडिएटर्स एंड हार्मोन्स, राइट तरफ जो पिंगला सूरज है, सूरज की जगह से आपकी बॉडी में सब साइकल्स करती है, जैसे सिकार्डियन रिदम, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी बॉडी में ऊपर, आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, सही समय सोए, सही समय उठे, आपकी जितनी हार्मोन्स है, आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी जो हेल्थ है अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि धरती तो राउंड होती है, उसको आप रोक नहीं सकते ना, पूरी ब्रह्मांड चलते रहती है, आपका कानून कोई सुनने वाला नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा कि सूरज जब होता है आपको उठना है, सूरज जब नीचे जाता है आपकी रेस्ट की टाइम है। अब लोग उल्टा काम करते हैं, बैठे रहते रात भर, सुबह दिन भर सोते रहते हैं, आप क्रिएटिंग, यू आर क्रिएटिंग योर एनवायरमेंट फॉर डिजीजेस इन योर बॉडी, बिकॉज यू कांट फाइट अगेंस्ट द नेचर, अर्थ इज स्पिनिंग, सो यू हैव टू फॉलो, बिकॉज ग्लैंड है, ए सीक्रेट्स हॉर्मोन्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग, आपकी जो ग्रोथ हॉर्मोन्स होती है, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन, वैसोप्रेसिन, ये जो है ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होती है बॉडी में, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, दीज आर फार्मेसी, फार्मेसी ऑफ योर बॉडी है, जिसमें जितनी हॉर्मोन, ड्रग्स, केमिकल मीडिएटर सब बॉडी की नेचुरल है। आप रूल ही नहीं फॉलो करते तो कम हो जाएगा, थायराइड, पैरा थायराइड, फिर यहाँ थायमस है, बोन मेरो है, मदा मजा अस्थि बोलते इसको, स्टेम सेल्स है, आपकी रिजर्व है बॉडी में, सब
जितनी सेल्स है उसका रिजर्व है 25%, बट हम उसको यू अटेप नहीं कर पाते, जानते नहीं कैसे उसको निकालना। अब बीमारी हो गया उसको ठीक कैसे करना, रिजर्व्स है अंदर में, लेकिन उस रिजर्व्स को कैसे हम निकाले। तो ये सोना, रहन सहन, खाना पीना, योग, इससे आपकी स्टेम सेल जो है, जो स्पेयर है, हार्ट सेल्स, लंग सेल्स, स्टमक सेल्स, स्किन सेल्स, उसको आप बाहर निकाल सकते हो, तो हील हो जाएगा बॉडी। तो योग इसी तरह से ठीक करता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है आपकी बैलेंस होगी, अच्छी हार्मोन जो होती है रिपेयर होगा, और जो बुरा है कोर्टिसोल्स वगैरह कम होगी। ये वेगस नर्व है आपकी ब्रेन में, उसको स्टिमुलेट करती है ना, फाइट फ्राइट फ्लाइट रेस्पॉन्स से आप रेस्ट रिपेयर रिजनरेशन क्रिएटिविटी में हो जाओगे, आपकी हार्ट रेट, लंग्स, मुस्कुराहट रहेगी आप में, ऑलवेज विल बी हेल्पफुल, काइंड, नेचर्ड, अकोमोडेटिंग, सबको बारे में सोचते रहोगे। ये दिखावटी रूप नहीं, केवल दो तीन एनिमल्स को लाइक करना और दुनिया को हाइट करना, ये सब क्या पागलपन है। आपकी तो सभी को ठीक से देख सकते हो या नहीं, फिर ये तो सिलेक्टिव जो हो रहा है इसमें आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से। तो सोचिए क्या हो रहा है, हार्ट रेट, लंग्स रेट, पेरिस्टोलिस, आपकी पेंक्रियस, लिवर, गोल ब्लैडर, ये जो पूरी सिस्टम है आपकी, इसी सिस्टम जो है चलता है पूरे ब्रह्मांड के साथ में, आप अलग नहीं हो सकते हो। तो अपने आप को देखिए, दोनों आंख, दोनों कान, दोनों नोस्टिल्स, आपकी जिह्वा, आपकी रिप्रोडक्टिव फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, क्या बात करते हो, सोचना पड़ता क्या बोलते हो, आपकी मूवमेंट, ये सब आपकी एंटेना है शरीर का, जितनी इंफॉर्मेशन जाती इसी तरह आंख कान मुंह से, और आप करते हो, ये आपकी टोटल बॉडी पर इसका कंट्रोल है। आपको इसमें अपनी निगरानी रखना है, नहीं तो आप तो फिर पागल की तरह रहोगे, आपको कंट्रोल ही नहीं अपना जिंदगी क्या कर रहे हो। आप ले जाइए अटेंशन अपनी नीचे मूलाधार, जैसे मैं शुरू किया था, जहाँ मूलाधार चक्रा, ऊपर आइए प्रतिष्ठाना, ऊपर आइए मणिपुर, ऊपर आइए अनाहत, ऊपर आइए विशुद्धि, यहाँ पर जहाँ पे टीका लगाते हैं त्रिकुटी, सहस्रार, ऊपर, ये एनर्जी सिस्टम आप, ये हमारी प्रार्थना है, जो हिंदू धर्म है यही है, वो आपको शरीर को हेल्थी बनाती, आपको मन की हेल्थी बनाती, तब आप खुशी रहोगे। आप जब खुशी रहोगे, आपकी शरीर हेल्थी रहेगा, तब आप और बड़ी बड़ी काम कर पाओगे जिंदगी में, कि मटीरियली धन चाहिए, धन आएगा, आपको विजडम आएगी, आपकी हेल्थ आएगी, आप पूरी जो जो मीनिंग है धर्म और काम, मोक्ष की प्राप्ति तब होती है। वैसे नहीं, सिलेक्टिवली चूज कर थोड़ी थोड़ी चीज में नहीं होती चीज। तो आप अपने आप को देखिए, शरीर का, अब आप अपने मन को बाहर देखना चाहते हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है। तो स्थूल जो शरीर होती है, सूक्ष्म शरीर है, उसकी यात्रा आप कर सकते हैं। तो हमें ऋषि मुनि जो थे ना, वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में लिखा है, वेद में हमारी जितनी दर्शन है, गीता में, रामायण, वशिष्ठ जो थे ऋषि, तो सब कुछ को समझाया है, राम को समझाते थे, कृष्ण ने समझाया। तो ये जो ज्ञान है अपने आप में लाइए, आप सोचिए, आपकी आप नीचे पड़े हो, ऊपर से देखिए, शरीर केवल लकड़ी की तरह है, बस इसमें आपकी आत्मा है, और आपकी जो स्थूल, जो पूरे जो जन्म थे वो आया शरीर में, आपको शरीर में केवल यात्रा है, अब शरीर हेल्थी ही नहीं है, तो उसको आप दुख दे रहे हो, आत्मा की दुख हो रहा है, आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, आप सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। अपने आप को देखिए, ऊपर ले जाइए, जहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, देखिए धरती कैसे चल रहा है, 22,000 किलोमीटर पर सेकंड, फिर हमारी मिल्की वे जो है चल रहा है 200,000 किलोमीटर पर आवर, फिर जो इंटरगैलेक्टिक स्पेसेस है 100 बिलियन स्पीड पर चल, कोई स्थिर नहीं है। विजुअलाइज करिए चंद्रमा पोजीशन कितना दूर है, अबाउट 384 किलोमीटर आवर। हमें फास्टिंग क्यों करना चाहिए, एकादशी उसी के लिए बनाए, मंथ में 2 बार फास्टिंग करें, और फास्टिंग ऐसे नहीं करें सुबह ढेर के खा ले रात के फिर खानी, पूरी की पूरी फास्टिंग करना है 2 बार एटलीस्ट, और मैं जैसे कहा उम्र के साथ खाना कम करना है। तो और सूरज की पोजीशन, ये डिस्टेंस जो है आप विजुअलाइज करें, जो विराट है ना, हिरण्य गर्भा कहते हैं, बड़ी है गैलेक्सीज, 100 बिलियन 100 बिलियन स्टार,
एंड्रोमीडा, हमारा मिल्की वे एंड्रोमीडा, ऐसे विजुअलाइज करें, ठीक है। तो ये जो इवेंट होराइजन होता है, जहां पर टाइम स्पेस से हमारी अंतर अलग हो जाती है, आप केवल वो एक रूप आ जाएगा, वो प्रतिहारा योगा में कहते हैं ना, कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये केवल आत्मा हो, आप चेतन स्वरूप हो, इसको समझे आपको, तो वहां पर एनर्जी मिलेगी जी, जो मैस है आपकी, जो यू नो जो एनर्जी है, सब शरीर जो है फिजिकल फॉर्म एनर्जी फॉर्म होने लगती है, क्योंकि वहां पर अंतर नहीं होते, टाइम स्पेस नहीं है, मैस एनर्जी वही पार्टिकल्स ग्रेविटी आप सह सकते हैं, फिर उसके आगे जाता है कुछ कॉस्मिक होराइजन इंग्लिश में, वो खम खम ब्रह्म कहते हैं वेद में, नसादिया सूक्त ऐसे बताता है, उसमें दिखाता है कि कितना है, लाइट मेटा अबाउट 20% है, डार्क मेटा अबाउट 30%, द रिमेनिंग इज व्हाट्स कॉल्ड लाइट एनर्जी, बिकॉज वो डार्कनेस है, एनर्जी केवल है। तो ये सब वेद में लिखा है कि वो ब्रह्मांड है जिसमें कुछ नहीं है, और जो कुछ आता है सब वहीं से आता है जहां कुछ नहीं, नथिंगनेस। तो आप अगर कुछ चाहिए, ठीक होना चाहते हो, धन दौलत ऐशो आराम, तो आपको वो फॉर्म में होना पड़ेगा, तब आप उससे निकाल सकते हो, वैसे नहीं, ऐसे बात कर कर ईगो पे नहीं होता। तो इंग्लिश में भी कहते हैं यूनिफाइड थ्योरी, क्वांटम एनर्जी, क्वांटम कोहेरेंस, क्वांटम जंपिंग, ये जो एनर्जी है आप उससे लिंक करना चाहते हैं, यू वांट द अबंडेंस ऑफ विजडम हैप्पीनेस हेल्थ एवरीथिंग एंड मटेरियल सक्सेस, यू हैव टू कम टू दैट लेवल, ए फिजिकल रूप में नहीं, एनर्जी के रूप में होना है, तब यू कैन गेट अबंडेंस, प्राणी के लिए कहते थे, तब आपकी प्राण की शक्ति जो 10 प्राण है आपकी पूरी की पूरी शरीर पर उसका आपका पूरा शक्ति होगा। तो अपने आप में आइए धीरे से, अंदर सांस ले, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर बाहर, ये है आपको जो सोना ही आदत है सोने की, तो ऐसे सोए, यू हील योर सेल्फ, जो सोना ही है आदत बन गया सोने का, तो ऐसे सोए आप सब कॉन्शियस जाए, क्योंकि जो योग का कार्य है, ये जो क्या मैं कह रहा था, योग निद्रा जो मैं सिखा रहा था, इस पैसिव स्लीप है 7 to 8 hours everyone requires, अगर इफ यू डोंट नो हाउ टू हील योर बॉडी एक्टिवली। तो जो योग आसन था हमने अभी, योग निद्रा किया, अब इससे जो आप योर स्लीप इज ऑलरेडी हार्ड, सो पीपल लाइक मी एंड लॉट ऑफ अदर पीपल हैव वेरी लिटिल स्लीप, बिकॉज वी डू योग निद्रा, we are healing our body every day, every moment, because by default sleep is for healing, lekin you have to be very careful because you are not sleeping well either, because the person who is not well healthy is not even sleeping, is lying down in the bed with thoughts which are only damaging the body. So refine your thought processes, eating habits, and have the knowledge of understanding what you are doing, okay? So ab next kaarya hai, agar if you cut, get cut off, join again, we'll do breathing exercises. Now, breathing exercises, which is called Pran Kriya, is one level above than what we did, asanas, even Yog Nidra. Now, it's active, basically tapasya. Now, what is tapasya is you put your body in testing times all the time. So, food ki jo tapasya hai, is to make choices. Ki kya khate ho? जैसे मैं कहता हूँ हर बार कि जब अगर किसी में टेस्ट है कोई खाना में, तो आधा शुगर है या फैट है या सोल्ट, तपस्या हो गया अब वो सब कम है तो ब्लेंड हो जाता खाना, तो हर्ब्स है ना हमारी जो वेजिटेरियन फूड है, वो तपस्या है, और तपस्या ही आपकी बॉडी पर अच्छा चीज लाती है, वैसे नहीं आपको अबंडेंस कभी नहीं लाती। अबंडेंस चाहिए तो परमात्मा की ग्रेस खोजिए, अबंडेंस वहां से, तो अपने आप आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। तब ये जो ईगो बेस्ड, माया बेस्ड, सेंसेस बेस्ड है, उससे बीमारी केवल आती है। तो जो दूसरी उससे बड़ी तपस्या है वो है ब्रेथ, तो फास्टिंग भोजन के लिए ब्रेथ की जो अब एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, ये मैंने कहा कि 5% केवल आपकी कंट्रोल में है, ये न्यूट्रल साइकिल में आप चल रहे हो, बस एक्टिव ब्रीदिंग करना is even more harder than doing exercises, because the muscles that are involved in your tummy, in your side, in your neck, on your back are many more from inside.
एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी दैट सबकॉन्शियसली दैट आई वाज डिस्क्राइबिंग इन योग निद्रा, हाउ डू यू स्टिमुलेट योर स्टेम सेल्स, हाउ डू यू इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम फंक्शन, हाउ डू यू मेक श्योर योर बॉडी फार्मसी इज एक्सप्रेसिंग ऑल दोज हॉर्मोन्स इज डन बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. That's why breathing exercises are one level higher even than this. But how can you do breathing exercise if you are not fit? That's why you need to have fitness. Because अब हम जब शुरू करते हैं ना, पहला प्राण क्रिया है उसे कैसे भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका तो पूरी की पूरी सांस अंदर नाक से लेना और नाक से बाहर ले जाना ऐसे. पांच बार भी कर लिए तो पता चल जाएगा पेट में क्या हो रहा है. और मैं जब सांस लेता हूं तो दूरी बाहर जाती है, पांच सांस बाहर करता हूं तो उसको पूरा पेट दबाता हूं कि हड्डी जो पीछे है ना उसकी तरफ जाती है. आप सोचिए, आप बैठ कर करना है ऐसे, कुछ बॉडी भी नहीं हिलाना है. आप कर ही नहीं पाओगे जब तक फिटनेस नहीं हो मसल का, तभी एक्सरसाइज किया जाता पहले, तभी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं होगा. करते हैं फिर. ठीक है, तो कोशिश करो थोड़ी थोड़ी. अभी तो बहुत पेन होगा आपकी पेट में, बैक में, साइड में, एक हफ्ता भर ऐसे लगेगा क्योंकि अब आपकी मस भीतर चल रही है, आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की ऑक्सीजन जा रही ज्यादा, आपकी लंग्स डेड स्पेस होता, मैला जो हवा होता बहरा निकालती है, आपकी जो साइनसेस है ना अंदर की वो चल रही है. यहाँ पर सब जो स्टेम सेल्स में कह रहा था इम्यून सिस्टम, आप कैसे बीमारी से लड़ सकते हैं, यहाँ अंदर से आता है. साइनसेस, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब यहाँ सिक्रिट होती है. अब तो ये कार्य जो है बहुत गहरा है, आपकी शरीर की जो बेनिफिट्स आती है अंदर से होती है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है उससे होता है. ठीक है, तो फिर करते हैं. हाथ ऊपर पर ले जाओ, सांस भीतर, सांस बाहर, नीचे. आगे, सांस अंदर, सांस बाहर. साइड, अनदर लेवल ऑफ एक्सरसाइज हो गया. आप कहीं चलते भी नहीं हो, बैठ कर इतना होता, पूरी की पूरी आपकी कार्डियो हो रही और उससे ज्यादा आपकी इंटरनल एक्सरसाइज हो रही है, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम ये सब स्टिमुलेट हो रही है. ऐसे ऐसे करते रहोगे तो अपने आप आपको पता लगेगा, जो बहुत जल्दी होने लगता है, लेकिन डिसिप्लिन थोड़ा करना पड़ेगा ना. फिर से करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम. ठीक है, ऐसे करते रहो. 2 मिनट कर लिया बहुत हो जाएगा, ट्राई करो 2 मिनट भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो वैसे क्या कहते हैं, आप अगर कट जाओगे तो जुड़ जाना. तो इसमें अभी प्राण क्रिया से प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम से फिर प्रतिहारा, फिर धारणा, ध्यान और समाधि, ब्लिसफुलनेस कैसे मिलती है वो पूरा होगा. स्टेजेस होती जी,
लोग जो बोलते हैं आपको बैठाकर हम मेडिटेट कराने लगे, ऐसे नहीं होता है। उतना ही इजी होता तो सब सीख लेते हैं, थोड़ी मेहनत करना पड़ता है चीज के लिए, आपकी एक एक जगह बनाना पड़ता है अंदर से, जगह जब तैयार हो जाओगे तब ही मेडिटेट होता, वैसे नहीं। ठीक है, अब की बात करते हैं अग्निसार, ब्रीद इन ब्रीद आउट, अब रोक लो सांस। जब सांस रुक जाता है तो आपको दूरी आपकी बेली बटन बाहर और अंदर बाहर लेना, तो फास्टिंग हो गया ना, ब्रेथ रोक रहे हो, ब्रेथ जितना लंबा रोक रहे हो बॉडी को इफिशियंसी इंक्रीज होती। तभी से मैं अभी किस दिन किसी को कह रहा था कि आप कुछ खरीदना चाहते हो ना, तो एकदम बहुत सुंदर रूपी वाला चीज ना खरीदे मत, जो थोड़ी टेढ़ी मोड़ी हो, जिसमें लगता है कि वो फूड या फ्रूट्स जो है या वेजिटेबल्स है उसको मेहनत से बड़ा हुआ है, मतलब कटा हुआ है, थोड़ा डैमेज है या कुछ, उसको लग रहा है कि, क्योंकि फूड में भी यही चीज होता है कि अगर वो मेहनत से कोई फ्रूट फ्रूट भी बड़ा होता है तो उसमें जो शक्ति होती है अंदर, केमिकल फाइटोकेमिकल्स एंड अदर थिंग्स आर मच मच हायर एंटीऑक्सीडेंट। तो आप अब सांस रोकेंगे तो फास्टिंग होता, तो इफिशियंसी इंक्रीज होती है। तो सिंपल फॉर्मूला वही मैं कहता हूं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है डॉट पॉइंट देता है लेकिन जोड़ाता नहीं, सिखाता नहीं, कि अगर समथिंग इज अंडर स्ट्रेस लाइक प्लांट्स एंड थिंग्स दे एब्जॉर्ब एंड दे आर मोर इफिशियंट, दे आर मोर फाइटोकेमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, सेम वे इफ यू डू टू योर बॉडी सिमिलर वे द केमिकल्स एंड अदर मीडिएटर्स एंड द गुड थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये हो रहा है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो यू आर पुटिंग बॉडी अंडर टेस्ट, अब ब्रीदिंग इज इवन वन लेवल हायर, तो अग्निसार इज इवन वन लेवल मोर हायर देन भस्त्रिका नाउ। You breathe in, breathe out, hold your breath, you are sitting straight, you push your belly button out and in. तो पहले 5 सेकंड होगा, फिर बाद में 6 होगा, 8, 10, 12, लोग जैसे स्वामी दयानंद थे ये 30 30 मिनट ऐसे बैठे रहते थे सांस रोक कर, 30 मिनट स्वामी दयानंद ऐसे कर लेता था, कितना बार यू नो पीपल ट्राई टू किल हिम, सो ही यूज्ड टू हाइड अंडर वाटर एंड थिंग फॉर आवर्स, बट ये योग है, मैजिक नहीं है कि कोई मैजिक भगवान दिया, नहीं, दे ट्रेन, दे ऑल ऑफ देम ट्रेन, श्री राम ऐसे, वशिष्ठ मुनि ही टॉट हिम। तो जितने थे हमारे जो जिनको मानते हैं हमारे गुरु है, हमारे भगवान के रूप में मानते हैं, ये सब सीखे थे, योग की शक्ति थी उनमें अंदर, ठीक, और हम सब कर सकते हैं। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, होल्ड द ब्रेथ, मूव योर बेली बटन, तो ये अग्निसार है जी, करते रहोगे जो ना हनुमान जी की जो 8 सिद्धि थी ना, अनिमा महिमा गरिमा लरिमा प्राप्ति प्रकार, ये सब जो शक्ति आप में आ जाएगी करते रहो, तब तो आप अपने को उठा लोगे, अपने वजन इतना ज्यादा हो जाएगा, शक्ति बनती है, ये सब साइंस है, इकी फीटी ऐसे मिथ नहीं है, शरीर में सब शक्ति है। तो बीमारी क्या, बीमारी तो छोटा चीज है, उसको आप ऐसे तोड़ कर ऐसे ठीक कर सकते हो, तो हार मत माने कोई चीज से जिंदगी में, क्योंकि आप जो हो आपको पता ही नहीं क्या, क्योंकि हम तो पागल बन गए दुनिया के कारण से, वेस्टर्न कल्चर से, कि हम तो अपने आप को स्लेव्स में रखते हैं, अपनी शरीर के शेव स्लेव है और बाहर खाना पीना में स्लेव स्लेवरी कर रहे हैं, अपने आप को पहचानो, योग यही है, हमारी जो धर्म है हिंदू धर्म वही सिखाता है, अंदर जाइए, परमात्मा अंदर में है, तब आप देखिए क्या होगा, फिर करें ते अग्निसार। जी जैसे मैं कह रहा था ऐसे धीरे धीरे आएगा, आप कोशिश करें, धीरे धीरे होगा, लंबा होते चला जाता है, आपको फिर अपने आप में कंट्रोल होने लगती है कि सांस रोक लोगे, फिर पेट को चला लोगे, ऐसे होगा, अभी नहीं, घबराइए नहीं, समय लगेगा। एक और बात, अंदर बाहर,
ठीक है, निसार हुआ, आप करते हैं उजई प्राणायाम। आपको इम्यून सिस्टम चाहिए ना, अब बीमारी होगी, अब कैसे उसको आर्मी आपकी बॉडी रेडी हो उसको अटैक कर कर ठीक करे, उसके लिए तो आपकी जो विशुद्धि चक्रा है आपकी, या थायमस है, बोन मेरो मदा बोलते हैं, मजा अस्थि, ओके 10 मिनट में कटेगा तो फिर आप फिर जो ना अभी करते रहेंगे प्राणायाम हो जाएगा तब ना ठीक है। तो ऐसे सांस लें अंदर से, यहाँ वाइब्रेशन जो मैं कह रहा था आप फील कीजिए, ये प्राणायाम में वाइब्रेशन आप फील करोगे। You can feel the vibrations, okay? उसका वेरिएशन चिन चेस्ट पे रख के ब्रीथ करें तो और आपकी जो यहाँ पे यहीं पर है सर स्टेम सेल स्टिमुलेशन, ठीक जो मैं बोल रहा हूँ रिजर्व से आप कैसे लाए, कैसे अपनी आर्मी को स्ट्रोंग बनाए, चिन पर सांस अंदर प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल ब्रीथ आउट टू द लेफ्ट, ठीक है इसका मुझे ही प्रण है जी, थोड़ी थोड़ी करे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, केवल बेनिफिट्स ही है ना। इसके बाद में करते हैं कपाल भाति, तो कपाल ए है ना ऊपर अपनी फंटनल को खुली रहती है लगभग 2 साल ले, बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चा जन्म से 2 साल ले अपने आप को जो भगवान परमात्मा यूनिवर्स उसे कम्युनिकेट करता है, स्माइल करता है, रोता कुछ करता, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता क्योंकि खुली होती है, 2 साल में बात करेगा और ये बंद हो गया फिर जिंदगी ऐसे ही रह जाती है कि आप जो माया की खेल आपकी अहंकार उसी में बझे रहते हो, आपको पता ही नहीं आप कौन हो, आप अपने आपके शरीर में ही आप स्लेव बन जाते हो। कपाल भाती जो प्राणायाम है आपको फिर से खोला देता है मेटाफोरिकली ये जगह, आप ब्रह्मांड से फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी से कम्युनिकेशन होता है, नहीं तो फिर जाओगे शमशान भूमि तो लोग खोल देते हैं ना इसको, तो बहुत देर हो गया, अब क्या हुआ, अब जिन्हों चली गई आप खोलने में क्या हुआ, तो जीते ही इसको खोलना पड़ता है। मनुष्य की जो धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति है यही यात्रा है पूरी की पूरी, आप पूरी काम करोगे बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी, हो गया बीमारी हो गया उसको आप पूरी की पूरी निकाल दो, इतनी स्ट्रोंग बने आप अंदर से कुछ नहीं रुक सकता क्योंकि परमात्मा में ही सब कुछ है, जितनी दवाई जितनी खुशियां जितनी मटेरियल वेल्थ जितनी नॉलेज सब कुछ वहीं से आता है, छोटे रूप में मैं भी जो कुछ कर रहा हूं आप बांट रहा हूं केवल परमात्मा का चीज है, मेहनत करता हूं कोशिश करता हूं ज्ञान आता है मैं बांट रहा हूं बस मेरा थोड़ा कुछ इसमें, तो अगर सब ऐसे मान कर करें चीज तो आप एकदम अपने आप में केवल खुशी नहीं रहोगे सक्सेसफुल रहोगे, हेल्थ रहेगा सब कुछ रहेगा आपका, ना डिप्रेशन ना एंजाइटी ना फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं बचेगा, आप साथ तो मुझे दीजिए सब कुछ दूर करा दूंगा, मेरा नहीं है परमात्मा का है, मैं तो केवल बीच में एकता की तरफ काम कर रहा हूं, ठीक है। तो कपाल भाती बहुत ताकत है प्राण क्रिया, तो बाहर ले जाने वाली एक्सरसाइज है मतलब एक्सहेलेशन, अभी ले हम अंदर का करते थे ना आप बाहर करेंगे ऐसे, तो सीधा बैठना नहीं बैठ पाते हो तो आप वॉल में चपक जाइए तो आपकी बैक स्ट्रेट होगी, नहीं तो चेयर पे बैठे नहीं तो हाथ ऐसे पीछे लगा ले क्योंकि आपको पुश करना है, आप सांस बाहर निकालना है,
वैक्यूम होती सांस अंदर चला जाएगा अपने, उस पर कॉन्सेंट्रेट मत करें। अब धीरे धीरे आप जो इसका रूटीन सीख जाओगे तो फिर मंत्र होता है, मंत्र, फिर मंत्र हम इसमें लाते हैं, ओम नमः शिवाय, ऐसे ऐसे मंत्र होता है, परमात्मा की नाम जोड़ लेते हैं, तब उसका जो मैग्निफिकेशन और बहुत ज्यादा होता है। तो करो तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपनी सांस बाहर ले जा रहा हूं तो दूरी दब रही है, ऐसे दबा रहा हूं तो सांस बाहर आ रहा है, तो पूरी की पूरी एम्प्टी कर रहा हूं, लंग्स को एम्प्टी कर रहा हूं। और लंग्स को एम्प्टी करने से आपकी जो प्रेशर है वो स्पाइन पर पड़ती ना, 33 करोड़ की बात मैं कर रहा था, 33 वेटेब्रा है, उसमें आपकी जितनी परमात्मा की शक्ति है इसी में रहती, मूलाधार से लेकर ऊपर, तो उसको स्टिमुलेट करती है, ठीक है, तभी तभी इतनी इफेक्टिव होती कपालभाति। करो जितना हो सके, करते रहे मेरे साथ, करें अपने ही रेट पे, करें कोई बात नहीं, एक ही एक मिनट में वो करें। मेरा रेट ऑब्वियसली हाई है क्योंकि मैं करते ही रहता हूं, जो कुछ हो सके कीजिए आप। तो करते रहिए, कपाल भाति करते रहिए। करते रहिए कपाल भाति, ठीक है, एक रिदम बन जाएगी, रिदम बन जाएगी, आप जैसे इंट्यूटिव होगा, अंदर जाओगे अपने आप में आपकी एक अबंडेंस ऑफ पीस मिलती है, सब पीस तो ही खोजते हैं ना, खुशियां अपने आप में आती है। तो परमात्मा में जब जुड़ोगे, और सांस ऐसा चीज ही है जो आपकी कम्युनिकेशन हाईवे है, आपको सब देती, तो उसके साथ आपकी और सब बेनिफिट्स होती ना, इम्यून सिस्टम का, आपकी हेल्थ, सब वेल्थ भी बनती इससे। तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं केवल वेल्थ के लिए, कभी और लोग खाली हेल्थ के लिए, लेकिन आप पूरी की पूरी करते हैं, कोशिश करें कि आप परमात्मा में पूरे, जितनी हमारी जो मकसद है जिंदगी का, सब पूरा हो, करते रहे। दूसरा चीज है आपकी जो साइनसिस को खोल देती है ना, वैसे विंटर आ रहा है ना, तो एलर्जी वगैरह कंजेशन होता है, तो खाना पीना भी जो हमारी है ना डाइजेशन, जब तक ना ईड़ा पिंगला बराबर खुला नहीं होती, हम डाइजेशन अच्छे से कर ही नहीं पाते। तो प्राणायाम से, प्राण क्रिया से आपकी नेजल जो ब्रीदिंग है बनी रहती है, तो उसकी, उससे आपकी डाइजेशन अच्छा होती है, इम्यून सिस्टम खूब अच्छी तरह डेवलप होती है, तो ये फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स है। फिर और जो ज्यादा मैं गहरा बेनिफिट बता रहा था कि फिर आध्यात्मिक जो ग्रोथ होती है, तो कोई रूल नहीं है जी, लोग इसको बिजनेस में कर देते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना देते हैं कि ये है, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे वैसे, जो कुछ हो कीजिए, क्योंकि करने से, प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्शन लाओगे। वैसे तो कैसे कोई किसी का परफेक्शन आएगा, आप वेट करोगे कि आप जब तैयार हो तभी शुरू करोगे, तो कभी नहीं होगा, आप बूढ़े हो जाओगे तो फिर सांस ही नहीं चलेगा। तो जैसे है शुरू करें, शुरू करते धीरे धीरे, अपने आप में बुरा मत माने, करते रहे, तो कोशिश करें।
मुझे सर्दी है,